हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल शर्मा जी। और आज मैं आपको हरियाणा ग्रुप डी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, इवनिंग में 10 नवंबर का, उसका मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे के शिफ्टों में भी मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर देता रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी से शुरू करता हूँ, पीछे से, ठीक है, हिंदी भाषा से। तो आपका पहला क्वेश्चन है हिंदी में है दोस्तों, 79 नंबर, मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य में आई पद का परिचय कीजिए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा समझाने बैठूंगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य में आई पद का जो परिचय दीजिए, ये आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अकर्मक क्रिया भी आ रहा है, कर्तृवाच्य भी आ रहा है, असन्न भूतकाल और एकवचन और स्त्रीलिंग सब कुछ आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ किसी वस्तु का अगर आपका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए दोस्तों, तो वह आपका अतिशोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अतिशोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 81 जो है, आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है। तो आचार शब्द के लिए जो आपका दूर प्लस आचार, तो दूराचार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूर, 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 82 नंबर, टोपी शब्द का बहुवचन रूप बताना था। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में आपका हाथी शब्द का बहुवचन आया था, तो हाथी का हाथी ही होता है, और टोपी का जो बहुवचन होता है वो आपका टोपियां हो जाता है, ठीक है। तो टोपी आपका ये जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है। तो धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है तत्पुरुष समास है। तो आप ये याद रखिएगा, आंसर बी जो है आपका तत्पुरुष, ऑप्शन डी जो है तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध और करुणा होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोध। 84 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से सही वर्तनी को चयन करना था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से देखिए, परिस्थिति आपका ये जो है गलत है, ठीक है, और दूसरा जो आपका ऑप्शन बी जो है वो भी गलत है, और ऑप्शन सी जो है आपका सही है। तो परिस्थिति आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डूबते को तिनका का सहारा पूछा गया था, ठीक है। तो डूबते को तिनका का सहारा का मुहावरे का अर्थ बताना था। तो डूबते का जो तिनके का सहारा का मुहावरा होता है वो आपका निराशा में आशा की झलक होता है, ठीक है। इसका जो मुहावरा होता है वो निराशा में आशा की झलक। तो 86 का जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य में लिखना था। तो माँ बच्चे को कर्मवाच्य से आपको पता होना चाहिए कि कर्मवाच्य में आपका से लगता है, ठीक है। तो देखिए, एक में तो आपका से नहीं है, ऑप्शन ए में से नहीं है। तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। तो 87 का बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, प्रत्येक कौन सा संधि है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर आपका 88 है दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्येक प्लस प्रत्येक कौन सा संधि है, ये पूछा गया था। तो देखिए, ये भी आपका यन संधि है, और शिफ्ट वन में भी आपका यन संधि से एक सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन 88 का जो है आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये आपका बताना था। तो निम्नलिखित में से जो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका पावक है, ठीक है। पावक जो ऑप्शन सी है, पावक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आग होता है, ठीक है। तो पावक जो है आपका नहीं है पानी का पर्यायवाची शब्द। तो 89 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, 90 में दिया हुआ था ब्यासी, तो ब्यासी का क्या हो जाएगा, ए का हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। और 44, तो 44 हो जाएगा, टू का हमारा अ हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं कि ई किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी और डी में ई दिया हुआ है, और आपका देख सकते हैं टू का अ दिया हुआ है। तो यहां से ऑप्शन सी जो है आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इंग्लिश की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बताना था, ठीक है। तो इसमें दिया होता आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी, ठीक है। तो आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आई टोल्ड द बॉयज दे दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी, क्योंकि पास्ट ये प्रेजेंट का जो है आपका पास्ट में चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, तो इसमें भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच बताना था दोस्तों, तो द टीचर सेड दैट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द टीचर सेड दैट ही वॉज बिजी देन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ही वॉज बिजी देन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आई नोटिफाइड, उसके बाद पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैड चेंज माय एड्रेस, तो देखिए आई नोटिफाइड इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द बैंक दैट होगा, ठीक है। 71 का जो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा द बैंक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम लास्ट नाइट, आई वुड हैव गोन आउट इफ आई फिल इन द ब्लैंक सो टायर्ड, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आई डिस आउट इफ इट हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड नॉट बीन ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 73 है, आई प्रिफर टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आवर फ्लैट इज, तो यहाँ पर एट नहीं होगा ऑन होगा, ठीक है, बहुत लोग एट मारे हैं, तो 74 का जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आवर फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका 74 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टॉम फिल इन द ब्लैंक्स हीज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर, तो टॉम हो जाएगा बर्नट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, टॉम बर्नट हीज हैंड, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पूछा गया था कि देयर इज ए प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वॉन्ट टू वॉच इन 5 मिनट्स, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इट स्टार्ट्स, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, गलत जो दिया हुआ स्पेलिंग वो आपको चूज करना था, तो देखिए जो आपका इरेट्रीवेबल जो है 77 का ए जो है इसमें आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आई डबल आर ई टी आर आई ई होता है, ठीक है, टी आर आई ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 77 का ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनकरेजस है, और इसी तरह आपका गलत वर्ड चुनना था, तो इनकरेजस है, इम्पर्टेबल है, इंटरमीडियंट है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है इम्पर्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इम्पर्टेबल का होता आई एम पी ई आर होता है, आई एम पी यू आर नहीं होता, आई एम पी ई आर होता है, तो 78 का जो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस द पॉइंट 76 दिया हुआ था और एंड -3/4, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेना था दोस्तों। तो द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा वो आपका जो है 30, ऑप्शन डी जो है 52 का वो राइट आंसर आ जाएगा, 30 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 53 नंबर जो क्वेश्चन है, द एज ऑफ फादर इज 5 times दैट ऑफ हिज सन, 3 years ago द एज ऑफ फादर वाज 8 times दैट ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ फादर का निकालना था दोस्तों, तो इसका जो मैंने आंसर निकाला है वो 35 years इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 53 का जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका, 4 cubes ईच ऑफ साइड 5 centimeter आर ज्वाइंट इंड टू इंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया रिजल्टिंग बताना था, तो मैंने इसका निकाल लिया, 4 cubes ईच ऑफ साइड 5 centimeter दिया हुआ था, तो इसका जो आंसर आता है दोस्तों आपका 55 का वो सी आएगा, 450 centimeter square, ठीक है, 450 centimeter square जो है राइट आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद आपका एक रीजनिंग से क्वेश्चन था दोस्तों, इफ 1 अक्टूबर वाज मंडे देन 11 अक्टूबर लाइज ऑन, तो 1 अक्टूबर को मंडे दिया हुआ था, देन 11 अक्टूबर को क्या होगा, तो 11 अक्टूबर को जो आपका आंसर आएगा दोस्तों थर्सडे आएगा, ठीक है। तो आपको थर्सडे जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक रीजनिंग से था दोस्तों, फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द इक्वेशन एम एन जे क्यू जी टी, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 47 का बी हो जाएगा, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो है दोस्तों, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 देन रिमाइंडर बताना था, तो 42 का जो रिमाइंडर बच के आएगा वो आपका 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 था दोस्तों, ऑल सर्कल्स आर, तो ऑल सभी सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था दोस्तों, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सॉल्यूशन बताना था, तो इसका जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो आपका नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो जितने क्वेश्चन अभी मैं अभी अटैम्प्ट किया हूँ दोस्तों आपको, उतने क्वेश्चन का मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर दिया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और जितना हो इसको शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। Thank you, all the best.